विश्वविद्यालय के कुछ विद्यार्थियों ने एक बहुत उत्साहवर्धक काम किया है, करुणा ग्रुप बनाया है, जिसमें आज जो COVID-19 के अंतर्गत लॉकडाउन भारतवर्ष और दुनिया में चल रहा है, उसमें मानसिक स्वास्थ्य पे एक बुरा असर पड़ रहा है सभी मनुष्यों को, क्योंकि जो उनको घर में बैठने की आदत नहीं है, जो उनकी सक्रियता प्रभावित हुई है, उससे एक थोड़ा सा आदमी के मनों में निराशा सा भाव भी आया है। लेकिन हमको ये सोचना चाहिए कि हम आज बहुत अच्छे युग में जी रहे हैं। सबसे पहली बात तो यह है कि COVID-19 जैसे छोटे से जीवाणु ने इतने बड़े मानव संस्कृति को, मानव जाति को एक नया चैलेंज दिया है, और हम बहुत विज्ञान के उन्नत अवस्था में होने के बाद भी उनके साथ अच्छे समायोजन की अवस्था में नहीं है। कहने का अर्थ कि उनके लिए मेरे पास कोई भी सीधा समाधान नहीं कि उसको हम तुरंत ओवरकम कर सकें। तो हमें ये सोचना चाहिए कि हमें जो भी अवसर ऐसा दिया है उसमें हम अपने क्षमता के अनुसार, हमारे पास स्वास्थ्य है, हमारे पास घर में रहने का माहौल है, हमारे पास टेक्नोलॉजी है जो कि जिससे हम आपसे रूबरू हो रहे हैं, तो बहुत सारी चीज़ें हमारे पास सकारात्मक है। उस सकारात्मकता में हम क्या अच्छा कर सकते हैं, हमारी कुछ अगर अच्छी चीज़ें जो हम अभी तक नहीं कर पाए वो शौक पूरे कर सकते हैं, जो हमारे पास कुछ और भी ऐसी चीज़ें हैं जो लगता है कभी कभी कि जो सो हमारे मन में ऐसी कुछ तड़प थी उसको हम आजमा सकते हैं, तो हम ढूंढें कि मतलब हमारे पास ऐसा क्या था जिसको कि हम नहीं कर पा रहे थे। आज मौका है, परमात्मा ने हमें दिया है, हम कभी मौका ढूंढते हैं कि हम ये करें, आज परमात्मा ने हमको मौका दिया तो हम उल्टा सोच रहे हैं, हम निराशा की ओर जा रहे हैं। हमें एक समायोजन की दशा को प्राप्त होना चाहिए। हर चीज़ में प्रसन्न रहने का भाव परमात्मा की इच्छा में होता है। हम एक आध्यात्मिक संस्था से बिलोंग करते हैं, शांति कुंज हरिद्वार एक इतने बड़े गायत्री परिवार का, पूरे दुनिया का एक केंद्र है, इसमें इन्हीं बातों पर चर्चा होती है कि अगर मनुष्य चाहे तो परिवर्तन को और भी सरल बना सकता है। युग परिवर्तन के अंतर्गत अगर हम देखें तो आचार्य श्री राम शर्मा जी ने एक पहले से घोषणा कर रखी कि 21वीं सदी परिवर्तनकारी सदी होगी, नए नए परिवर्तन होंगे, बहुत सारे उठापटक होंगे, और बहुत सारे उठापटक में मनुष्य ही तो उसमें शामिल होगा, बाकी दूसरे लोग तो केवल साइड रोल में रहेंगे, उनको कुछ पता भी नहीं होगा। लेकिन इन सारी बातों में हमें ये सोचना चाहिए कि हमारी अच्छी भूमिका क्या हो सकती है। हमें जब रोक दिया जाता है तो इसलिए नहीं रोक दिया जाता है कि हम अच्छा ना कर सकें, बल्कि हमें अच्छा करने के लिए तैयारी करने का भी मौका दिया जाता है। और हमें ये सोचना चाहिए कि अगर वो तैयारी हमारी अच्छी रही तो शायद हम जो महापरिवर्तन हो रहा है, जो एक मनुष्य को नए जीवन को गढ़ने के लिए तैयार किया जा रहा है, परमात्मा का जो एक नया स्वरूप है, या हम जो हमारे यहाँ गुरुदेव ने कहा कि मनुष्य में देवत्व का उदय, धरती पर स्वर्ग का अवतरण जो होने जा रहा है, उसके लिए शायद हमारी तैयारी का एक छोटा सा पड़ाव हो, तो हमें सोचना चाहिए इस पर, और हमें बहुत गंभीरता से सोच के और हमें सकारात्मक जीवन शैली अपनाना चाहिए। हमें बहुत थोड़ा सा, हमें लगता है कि जो समस्या है समस्या से उभरने में थोड़ा ज़्यादा वक्त लग सकता है, कोई 6 महीने 1 साल कोई कुछ नहीं कह सकता। अमेरिका जैसे देश ने ये घोषणा कर दी कि दिसंबर तक हम एजुकेशन कंटिन्यू नहीं कर सकते, और ये सिचुएशन है क्योंकि आपको पता है कि अमेरिका जैसा सबसे विकसित देश में भी अपने सारे जो संसाधनों को लगाते हुए भी अपने इन समस्याओं से वो उभरने की दशा में नहीं है। तो हम तो इतने बड़े पॉपुलेशन वाले देश हैं, हम क्या कर सकते हैं, लेकिन हम प्रकृति के सहचर बने, प्रकृति के अनुचर बने, प्रकृति के संकेतों को समझें, प्रकृति ने हमारे साथ ये चैलेंज क्यों हमको दिया, और सबसे खास बात जो बहुत पॉजिटिव बात हो रही है कि प्रकृति रिसेट हो रही है और बहुत पॉजिटिव चेंज हुए हैं। हम यहाँ गंगा किनारे रहते हैं, अभी हमने एक न्यूज पढ़ी कि गंगा जी का जल सीधे पीने योग्य हो गया है, और डिकेड के बाद हुआ है, और दिल्ली जैसी जगह पे जमुना साफ हो गई है। तो ये मतलब चमत्कारी चीज़ है जो कि सरकारें करोड़ों अरबों खरबों लगा के नहीं पूरा कर पा रही थी, वो प्रकृति ने ये लगता है कि कोई 3-4 महीने में ये टारगेट पूरा कर दिया अपने आप। तो जो संतुलन बन रहा है, जो असंतुलित होने जा रहा था, उस असंतुलन में संतुलन पैदा हो रहा है, हमारे लिए खुशियाँ आ रही हैं, हमारे लिए प्रसन्नता का जो एक वातावरण बन रहा है, पर्यावरण अपने आप संतुलित हो रहे हैं हमें बिना प्रयास किए, इससे अच्छी बात कुछ नहीं हो सकती। तो ये जो थोड़े से दुख का हमें झटका मिल रहा है, ये दुख का झटका भी इसलिए मिल रहा है, शायद हम बहुत आउट ऑफ ट्रैक हो गए थे, हम अपने ट्रैक पे आए, अपने मनुष्य के अनुरूप जीवन शैली को अपनाएं। हम बहुत शुभकामनाएं देना चाहेंगे करुणा ग्रुप को कि उन्होंने एक पॉजिटिविटी क्रिएट करने के लिए एक छोटा सा परिक्रम शुरू किया है,
और इस तरह के प्रोग्राम चलते रहने चाहिए ताकि जो लोग थोड़े से निराशा की भावना में जा रहे हैं वो थोड़े उत्साहित हों और परिवर्तन को अपने जीवन में भी ध्यान दें और उसे सहायता से स्वीकारें। बहुत बहुत धन्यवाद।